अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुन मेरा दिल जो है उसका एक पोस्टर आया है, ये देख लो, बड़ा दुखी पोस्टर है। रोना मतलब टिश्यूज लेके बैठो, ये ड्रामा है टिश्यूज लेके बैठने वाला, शोर शोर करते रहना सारा वक्त, ये ड्रामा है भाई सुन मेरा दिल। तो अभी जो नेक्स्ट एपिसोड है आप लोगों को कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे सुन मेरा दिल पे, तो वो देखना, बताना मुझे कैसा लग रहा है। अभी तक की जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं इम्प्रेसिव नहीं है, अच्छा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इसमें सेवन स्काई वालों को अकल आती है, क्या वो स्क्रिप्टिंग में थोड़ी सी चेंजिंग करते, क्योंकि हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ चेंज लाते जरूर हैं। इन लोगों को लाना पड़ेगा भाई चेंज, अगर सुन मेरा दिल को सुपर डुपर हिट कराना, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट अच्छा लाना पड़ेगा। ये तबीयत का छोड़ के जो सिंपति वाला है ना, वो सीन हटा के कुछ ऐसा करना पड़ेगा इनको, जिससे ड्रामे में ना जरा मजा है। देखो तुम लोगों को एक मैं बात समझाने की कोशिश करता हूँ, सुन मेरा दिल जितने भी मैं हो गया, सुन मेरा दिल हो गया और फिर दूसरे ड्रामे हो गए, उसमें तुम लोगों ने एक बात नोट की होगी कि जो मेन हीरोइन है और मेन हीरो, उनकी लव स्टोरी लव सीन ज्यादा है ही नहीं। साइड किरदारों के लव सीन्स हैं या कोई और लव कर रहा है, मेन वाले जो है ना उनका सीन नहीं है। फिर वही वही बात करूंगा तुम लोग की हटेगी कि भाई तेरे बिन में जो लव एंगल था मीरब और मुर्तसम का, मुर्तसम मीरब को चाहता है पर साइड पे अगर देखो तो कहानियां चलती रहती हैं, हया उसके पीछे पड़ी हुई वहां पे, उसके रोहेल पीछे पड़ा हुआ, ये सारी चीजें हमें पता है ना, पर फिर भी मीरब और मुर्तसम की लव स्टोरी तो चल रही थी ना। इसी तरह इन लोगों को माया की लव स्टोरी चलानी पड़ेगी बिलाल के साथ, मतलब सदफ की, तो फिर मजा आएगा कहानी में। वरना तो फिर तुम लोगों को पता है अगर ये लोग ज्यादातर यही सीन दिखाते रहेंगे, रोना धोना सेम्पति वगैरह, तो फिर तो ड्रामे का लगने वाले हैं बहुत, मतलब अजीब ही लग जाएगा फिर ड्रामा। खैर सुन मेरा दिल से आगे बढ़ते हैं, यमुना के ऊपर आते भाई। यमुना का नया ड्रामा खून बहा की कुछ स्टेल्स आई हैं, दानियाल साहब शायद ये या शहजादा साहब है मुझे नहीं पता, भारत इन्होंने पोस्ट की है, वहीं काम करते हैं ये, इन्होंने अपनी तस्वीर भी पोस्ट की, इन्होंने ये भी पोस्ट किया कि भाई 58 डे हो गया है हम टीवी पे आएगा ये खून बहा यमुना का, और इसमें यमुना का क्या रोल होगा ये देखने लायक होगा। उसामा है शायद यमुना के साथ इस ड्रामे में, तो देख रहे हैं अब क्या होता है। बाकी मुझे तो उम्मीद हम वाले ड्रामों से वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, अब मुझे नहीं लगता कि कोई ज़बरदस्त किस्म का ये लोग कोई ड्रामा निकाल सकते हैं। हम वाले वो परिजात वाले जानरा में ही फंसे हुए हैं, अभी वो आगे नहीं निकल सकते। अगर ये जियो पे या सेवन स्काई का होता तो मुझे शायद थोड़ी बहुत उम्मीद होती। बहरहाल देख लें, हो सकता है सुपर डुपर हिट हो जाए भाई, कोई भरोसा नहीं, हम वालों के भी अच्छे हो जाते हैं ड्रामा। तुम लोग मुझे बताओ तुम लोग क्या एक्साइटेड हो इस ड्रामे के लिए, यमुना का जो ड्रामा आ रहा है, कमेंट में बताना। लाइक सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, पूरी वीडियो देखो, अपना ख्याल रखो। और जहां तक दूसरी ये बात है, क्या मैं बोल रहा था, रेडमी नहीं आ रही, हाँ चैनल को पूरा सब्सक्राइब भी अच्छे तरीके से करो ताकि आगे लोगों के पास जाए जिनको ड्रामों की इंफॉर्मेशन या रिलेटेड पूछने हैं सवाल, वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे सवाल पूछो, गाली गलौज देने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं करता, बुरे जो कमेंट होते हैं उसको रिप्लाई नहीं करता, मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं बहुत खराब हूँ इस मामले में। तो इस वजह से अच्छे अच्छे कमेंट करो। चलो अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।